ड्राइंग, पेंटिंग, वाटर कलर या एक्रेलिक्स, एक्रेलिक्स, माउंटेन और बीचेस, माउंटेन, सिटी और होम टाउन, होम टाउन, पिज्जा और बर्गर, बर्गर, मेकअप और स्किन केयर, स्किन केयर, टी और कॉफी, टी, क्लब पार्टी और टेम्पल, टेम्पल, इंडियन और वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, कैनवस और पेपर, पेपर, टीवी शो और कार्टून, कार्टून। ये तो था रैपिड फायर, बट मेरे स्कूल में कितने मार्क्स आए थे, मैं करती क्या हूँ और मैं अपनी कौन सी आर्ट वर्क है जो डिस्ट्रॉय करना चाहूँगी, ऐसे ढेरों सवाल अभी बाकी है। और हाँ, वीडियो के एंड में एक सरप्राइज भी है आप सभी के लिए, बट उससे पहले बारी सवालों की। मेरा पहला सवाल, मैं हूँ कौन और ये सब कब से शुरू हुआ? तो मेरा नाम है प्रिया और इसीलिए मेरे चैनल का नाम है पेंटेलेक्चुअल प्रिया। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ जो कि हिंदी में होते हैं। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सब शुरू कब से हुआ? गाइस, मेरे ख्याल से मैं 2 या 3 क्लास में होंगी तब से मुझे ड्रॉइंग करना बहुत पसंद है। मुझे बहुत मजा आता था क्रेयॉन्स और स्केच पेन्स को रगड़ के कुछ बनाने में। एंड घर पे कोई भी लोग आते थे ना, मैं उनको फटाफट से दिखाने लग जाती थी कि मैंने ये बनाया। एंड गलती से अगर वो तारीफ कर देते थे, भाई मैं तो बलून की तरह फूलने लग जाती थी। आई थिंक इंटरेस्ट तो वहीं से डेवलप हुआ। बट उसके बाद क्या हुआ कि मेरी मम्मा बड़ी दीदियों को एम्ब्रॉयडरी क्लासेस और फैब्रिक की क्लासेस सिखाती थी, तो वो सब देख के मुझे और भी ज्यादा मजा आने लगा एंड मेरा इंट्रीग उससे और ज्यादा डेवलप हुआ। अब जहाँ कुछ लोग मेरी ड्रॉइंग की शुरुआत के बारे में जानना चाहते थे, तो वही कुछ जानना चाहते थे कि मैं अपनी कौन सी ड्रॉइंग डिस्ट्रॉय करूंगी। तो ये लोग यार, अगर कोई ड्राइंग खराब बन गई हो या पसंद नहीं आ रही हो तो मैं ना उसे अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी या फिर एक नई ड्राइंग बना लूंगी। बट डिस्ट्रॉय, अब मैं कोई ड्राइंग तो डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको अपने बचपन की ड्राइंग जरूर दिखा सकती हूँ। यार सारी ड्राइंग तो नहीं दिखा पाऊंगी, इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट कुछ दिखाती हूँ। ये मेरी क्लास 7 की ड्राइंग है और ये देखो मैंने पोर्ट्रेट भी बनाई थी। चलो आप बताओ कि ये किसकी पोर्ट्रेट है। और हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं बस ड्राइंग ही करती थी, मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी। मेरे 10th में 78% मार्क्स आए थे एंड 12th में मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से 84% मार्क्स लाए थे। और रही बात मेरे क्वालिफिकेशन की, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हूँ। यस गाइस, आई एम नॉट फ्रॉम आर्ट बैकग्राउंड, मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। ये तो था मेरा पास्ट। और आप लोगों में से कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मैं अपने पास्ट में से कौन सी एक चीज चेंज करना चाहूंगी। अगर आपने मुझसे यही सवाल 5-6 साल पहले पूछा होता तो मैं डेफिनेटली बहुत सारा चीज बताती, पर आज के डेट में मैं कुछ भी चीज चेंज नहीं करना चाहूंगी। आई एम अ फर्म बिलीवर कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है टफ टाइम्स में ये चीज समझ ना आए, बट बाद में जब आप उन डॉट्स को कनेक्ट करते हो तब आपको पता चलता है कि ये क्यों हुआ। अब मैं इस पे मेरा ही एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जब कोविड आया तो एवरीबडी वाज लाइक कि ये क्या हो गया है, हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, हम कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे, घर में ही बंद हो गए हैं ना। फ्यूचर की चीजें समझ में आ रही थी कि ये कभी खत्म भी होगा या नहीं होगा। आई थिंक मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज हुई कि यार मैंने उसी टाइम पे अपनी ड्रॉइंग की जो जर्नी है वो फिर से शुरू की। मुझे वापस से टाइम मिला वो सारी चीजें करने का जो मैं कभी नहीं कर पाती थी। आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला हुआ है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज एटसेट्रा, जो हमारे टाइम पे बिल्कुल नहीं होता था। ऐसा होता था कि यार अगर कुछ चीजें जाननी भी है तो अपने आस पड़ोस के लोग या जो भी आपके जानकार इंसान है आप उनसे ही पूछ सकते हो एंड उनकी भी नॉलेज लिमिटेड होती थी। तो मैं बोलूंगी कि आप लोगों को जितना ज्यादा इंटरनेट का एक्सेस मिला हुआ है उसको वही तरीके से यूज करो। बहुत हुई पुरानी बातें, अब चलते हैं अगली सवाल की तरफ। मैं रहती कहाँ हूँ और मेरी हॉबीज क्या है अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग? तो मैं रहती पुणे में हूँ और अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग मेरी हॉबीज है गार्डनिंग करना, घर सजाना और बैडमिंटन खेलना। लेकिन इस हॉबी से मैं पैसे नहीं कमाती, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ? मैं आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, वो तो आपको पता ही है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं लाइफ अपडेट, बिहाइंड द स्टोरीज, आगे आने वाले प्रोजेक्ट सबके बारे में बहुत शेयर करती हूँ। तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ो। और इस साल तो हमने बहुत बढ़िया कंटेंट डिजाइन किया हुआ है यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों के लिए। सेकेंड, मैं कमीशन आर्टवर्क का ऑर्डर्स भी लेती हूँ। मैं डिफरेंट सब्जेक्ट पेंट करना पसंद करती हूँ। कुछ लोगों को पोर्ट्रेट बनवानी होती है तो कुछ लोगों को लैंडस्केप सीनरी। थर्ड, मेरा ऑनलाइन शॉप भी है एटसी पे और शॉपिफाई पे, जहाँ मैं अपने आर्ट और आर्ट प्रिंट सेल करती हूँ। फोर्थ, मैं ब्रांड कोलैबोरेशंस भी लेती हूँ। और हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या मेरा कोई कोर्स भी है जिसे आप खरीद सकते हो। तो गाइस देखो, फ्यूचर में प्लान तो है कि मैं कोई कोर्स लॉन्च करूँ, इसलिए अभी तो मैं इसके डिटेल्स नहीं बता पाऊंगी। पर हाँ, आई वुड लव टू नो कि आप मुझसे क्या सीखना पसंद करोगे, तो मेक श्योर आप कमेंट में जरूर बताना। अब बचते हैं 3 इम्पोर्टेंट सवाल। पहला, डू आई एवर थिंक कि मेरी ड्राइंग मेस्ड अप हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, पहले मुझे ये बहुत लगता था, बट ओवर द ईयर ऑफ प्रैक्टिस ये डर निकल गया। नाउ आई नो कि कुछ गड़बड़ भी हुई ना तो मैं सुधार लूंगी, और अगर नहीं सुधार पाई तो नया बना लूंगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये कलर्स है, तो इनसे ज्यादा प्ले करने की कोशिश करो, एंजॉय करने की कोशिश करो, रैदर देन कि इनको एक स्ट्रक्चर में डालने की कोशिश करो। ये मोस्टली तब होता है जब आप पेंट कर रहे हो किसी को दिखाने के लिए। बट जिस दिन आपने ये माइंडसेट बना लिया ना कि आपको किसी को दिखाने के लिए पेंट नहीं करना है, आपको खुद के के लिए पेंट करना है, देन यू विल एंजॉय द प्रोसेस। दूसरा क्वेश्चन है मेरी यूट्यूब की जर्नी के बारे में। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। ओके, तो आप लोगों में से ज्यादातर लोग मुझे 2023 में ज्वाइन किए होंगे, बट मेरा यूट्यूब चैनल 2019 से था। तो मैं वीडियोस तो बहुत सारे बना रही थी, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था मेरे फेवर में। उसका रीजन भी मुझे समझ में आया कि क्यों ऐसा हो रहा था। बेसिकली मुझे वीडियो मेकिंग के प्रोसेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझसे जितनी मर्जी पेंटिंग करवा लो, बट वीडियो बनाने के नाम पे मुझे बुखार आने लग जाता था। तो आई वॉज लाइक कि यार वीडियो बनाना अपने बस की तो बात नहीं है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपको कोई भी काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आपको वो बोझ लगेगा। अगर बोझ लगेगा तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाओगे, और अगर 100% नहीं दे पाओगे तो एंड रिजल्ट में भी वो दिखेगा। जैसे पेंटिंग करना एक फुल फ्लेजेड स्किल है, वैसे कंटेंट क्रिएशन भी एक फुल फ्लेजेड स्किल है। तो अगर आप अपनी आर्ट को शोकेस करना चाहते हो तो आपको ये स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी। और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी गलतियों से कितना सीख रहे हो। अगर आप एक ही तरीके से वीडियो बनाते चले जा रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो इट्स टाइम टू चेंज। तो सबसे पहले आप अपने ही चैनल के कंटेंट को एनालाइज करो। यूट्यूब बहुत सारा डेटा देता है जिससे आप चेक कर सकते हो कि क्या चीज वर्क कर रही है और क्या चीज वर्क नहीं कर रही है। जो कंटेंट आपका अच्छा चला हुआ है उस पर डबल डाउन कर दो, वैसे कंटेंट और बनाओ, और जो नहीं अच्छे चले हुए हैं उनमें चेंजेस लेके आओ। हम में से मोस्टली लोग यही करते हैं कि वीडियोस बनाते रहते हैं और फिर एक दिन थक के वीडियो बनाना छोड़ देते हैं विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट कि हो सकता है कि हमारे कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम हो। अब जैसे हमें लगता है कि एग्जाम तो हमने बहुत बढ़िया लिखा था, लेकिन रिपोर्ट कार्ड या टेस्ट पेपर देख के ही पता चलता है कि ओ कहाँ गड़बड़ थी। यूट्यूब एनालिटिक्स में बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड की तरह है, जिससे आपको पता चलता है कि क्या चीजें गलत हो रही है और कहाँ आप इसको सुधार कर सकते हो। ऐसे यूट्यूब पे खुद ही बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं जहाँ पे आप एनालिटिक्स को कैसे चेक करना है वो देख सकते हो। ऑल्सो क्विक टिप, कंटेंट क्रिएशन के लिए कोई भी लेटेस्ट ट्रेंड पकड़ लो और उस पे वीडियो बनाओ। जितनी जल्दी वीडियो बनाओगे उतना ज्यादा आपके वीडियो पे व्यूज आने के चांसेस है। नेक्स्ट, कोई रिलेटेबल टाइप का कंटेंट बनाओ, या फिर कोई भी वैल्यू एडिशन जो कंटेंट दे रहा हो वैसा कंटेंट बनाओ, या फिर कोई ऐसा कंटेंट बनाओ जिसमें व्यूअर को कोई इमोशन मिले, लाइक हैप्पी, सैड और ऐसा कोई इमोशन। और आज का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हाउ टू टैकल पीपल और पेरेंट्स हु डजंट सपोर्ट अस। तो देखो यार, मैं लोगों का तो नहीं कह सकती, बट पेरेंट्स हमेशा आपकी भलाई के लिए सोचते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर वो आपको मना कर रहे हैं कोई चीज के लिए तो वो क्यों कर रहे हैं। हो सकता है उनका जो एक्सपोजर है ड्राइंग के बारे में वो बहुत ज्यादा नहीं है। उन्होंने अपने टाइम पे यही देखा है कि आर्टिस्ट की लाइफ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट की लाइफ होती है। आप खुद ही देखो ना, आपके अराउंड कितने आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अगर आप चाहते हो कि वो आपकी बात समझे तो आपको वो सारी चीजें करनी चाहिए जो वो कहते हैं, एंड देन उसके बाद आप अपनी ड्राइंग पे फोकस करो। अगर वो आपको कहते हैं कि पढ़ाई कर लो पहले, तो आप पढ़ाई कर लो एंड देन जो टाइम बचता है फिर आप ड्राइंग करो। तो उससे उनको भी समझ में आएगा कि चलो बच्चे ने पढ़ाई कर ली है, अब वो ड्राइंग करने बैठ रहा है, तो देन इट्स फाइन। और कभी कभी क्या होता है ना कि बात से समझ नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन एक्शन से समझ जाते हैं। तो जब आप अपने एक्शन से उनको करके दिखाओगे तो वो जरूर समझेंगे। क्वेश्चंस तो हो गए सारे खत्म, अब बारी है सरप्राइज की। तो तैयार है सरप्राइज के लिए? मेरे पास में ये 5 महीने से आके है, बट मैंने इसीलिए नहीं खोला क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ खोलूं। समझ तो गए ही होगे, चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। यार ऐसे टाइम पे चीजें मिलती ही नहीं है, चलो कैंची से ही काम चलाना पड़ेगा। कहाँ से शुरू करो? काफी अच्छी पैकिंग हो रखी है, खुल जाओ। Wow, nice. Wow, काफी भारी है। Wow, this is so nice. See guys, golden play button आ गया है। Thank you so much. ये आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। I would say कि मैंने अगर वीडियो बनाने में मेहनत की है तो आपने भी ना अपने प्यार को शेयर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अभी क्या बोलूँ, बट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे आपके साथ अनबॉक्सिंग करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।